बैठे हो, मैं आपको सलाम करता हूं। एक एक कदम सर माथे पर। इंडिया अलायंस के बहुत सारे हमारे साथी महाराष्ट्र से, केरला से, तमिलनाडु से, बंगाल से, यूपी से, बिहार से, तेलंगाना से, झारखंड से, पंजाब से, हिमाचल से, कहां कहां, कौन सा नाम लूं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जो आप आए हो, आज जेल में बैठे उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हां मेरे पक्ष में देश खड़ा है, देश उनके पक्ष में खड़ा है। दोस्तों, अभी बोला गया सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं के द्वारा, शरद पवार जी बोल रहे थे, संजय राउत जी बोल रहे थे, सीताराम जेचरी जी बैठे हैं बोलेंगे, अखिलेश यादव जी आ सक कह रहे हैं कि आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, बोलेंगे। दोस्तों, आवाज एक ही है, जो मर्जी बोले, आवाज एक ही है कि डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। अभी भी ये थोड़ा बहुत अहंकार तो कम हो गया, लेकिन अभी अहंकार है। 240 आई है इस बार, 400 पार तो क्या, बेड़ा पार ही नहीं हुआ इसका, लेकिन फिर भी अभी अहंकार है। वो अहंकार कौन तोड़ेगा? आप जब आते हो तो अहंकार टूटता है इनका। हम सब जब इकट्ठे दिखते हैं तो अहंकार टूटता है। हमने मोटरसाइकिल चोर सुने थे भी, मोटरसाइकिल चोर ग्रोह काबू, हमने स्कूटर चोर भी सुने थे, थोड़ा पुराने जमाने में चले गए, बीसीआर चोर ग्रोह भी मिले थे, टेलीविजन भी चुरा लेते थे, लेकिन बीजेपी ऐसी है जो पार्टियां चुराती है। शिवसेना का तीर कमान चुरा लिया, शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, चुटाला की दो चप्पलें चुरा ली, जो इनके साथ आता है उसको खा जाते हैं, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, सपनी अपने अंडे आप खांदी है, जो इनके साथ आता है उसको खा जाते हैं ये लोग। इसलिए बचो, इनसे बचो, ये पार्टियां खाते हैं, ये बंदे नहीं खाते, ये पार्टियां खाते हैं, पूरी की पूरी पार्टी खा जा। अकाली दल खा गए, बताइए कहां है अकाली दल, इनके साथी कहां है, तकड़ी खत्म। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये देश चुराने वाले लोग हैं और हम देश बचाने वाले लोग हैं। हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए हुए, मुख्यमंत्री पंजाब हूं पिछले 3.25 साल से, एक मास्टर का बेटा हूं, मेरा दादा कभी सरपंच भी नहीं बना, कभी मेंबर भी नहीं बना पंचायत का, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, 3.25 साल से मुख्यमंत्री हूं, और ऐसी स्टेट जिसका 532 किलोमीटर सरहद लगती है पाकिस्तान के साथ, हर रोज उनके साथ सामना होता है, हर रोज कफन, तिरंगे के कफन में लिपट के हमारे लाशें आती हैं, हमारे बच्चों की, हमारे शहीदों की, कभी कारगिल से, कभी जम्मू के बॉर्डर से, कभी कठुआ के बॉर्डर से, कभी दीनानगर के बॉर्डर से, उस स्टेट का मुख्यमंत्री बना रखा है मुझे, किसको, आम बंदे को। क्यों भी, आम बंदों की बारी क्यों नहीं आ सकती, इन्होंने ठेका ले रखा है क्या, यही बनेंगे? अच्छा, आम बंदे ही पसंद नहीं, किसी ने जाके लाट साहब को बोल दिया मिस्टर मोदी, किसी ने जाके उसको बोल दिया
कि सर दिल्ली में स्कूल इतने अच्छे हो गए कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कम हो गई है, प्राइवेट स्कूल वाले हमें वो देते हैं कमीशन, तो वो कह रहे हैं जी हमारी तो एडमिशन ही कम हो गई है, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ही इतने अच्छे बना दिए तो वहां बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो लाड साहब ने पूछा किसने बनाए, कहते जी मनीष सिसोदिया ने, उठा के जेल में फेंक दो, चलो मनीष सिसोदिया जेल में। फिर गए अस्पताल वाले, जी इतने बड़े बड़े अस्पताल बना ले प्राइवेट, हमने शीशे लगा ले बड़े बड़े, 5 लाख रुपया तो सीधे ही लेते हैं एंट्री पे ही, के बच गया जान बच गई, 5 लाख रुपया जमा करा दो बाद में इलाज करेंगे। जी वो तो सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए दिल्ली में कि प्राइवेट में तो कोई आता ही नहीं है। तो लाड साहब ने पूछा किसने बनाए, सतेंद्र जैन ने, उठा के जेल में फेंक दो, सतेंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। फिर किसी ने कहा अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, जी वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, वो दिल्ली भी जा, दिल्ली में तो रहते ही हैं, वो पंजाब में जाते हैं, तो क्या करें, उठा के जेल में फेंक दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में फेंक दे। अब इसकी जमानत होने वाली है, आज ही इस पे नया पर्चा डाल दो। यार बंदे हम, यार हद है यार, हद है यार, क्या करेंगे, कहां कौन से वकीलों के पास जाएं हम, क्या करें हम, पूरा देश ये पूछ रहा है सवाल, कसूर क्या है उस बंदे का। 60 वो जो मेयरमेंट रहती है ना अरविंद केजरीवाल जी, पिछले 25 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, मैं उनके साथ ट्रेवल करता रहता हूं जहाज में भी, वो जहाज में भी जब खाना होता है ना तो उनको पहले चेक करना पड़ता है, यहां एक मशीन लगी हुई है ऐसे कितना है तब खाना खाना है, अदरवाइज नहीं खाना खाना, अदरवाइज पेट में टीका लगाना पड़ता है। भाई साहब उनके पेट को देखोगे ना तो डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, एक ही जगह पे दो दो टीके लग सकते हैं, मेहंदी लगानी पड़ती है जहां टीका लगाना है। क्यों भाभी जी, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मेहंदी लगानी पड़ती है उनका, अगर पेट देखोगे ना तो मेहंदी के टीकों से भरा पड़ा है, मेहंदी के निशानों से भरा पड़ा है। यार बंदा फिर भी लड़ रहा है देश के लिए, यार क्या बात है यार, उस बंदे की तो तारीफ होनी चाहिए बहुत। फिर भी कहता तू जो मर्जी कर ले मैं तेरी नहीं मानूंगा, फिर भी उस बंदे ने राजनीति की दिशा बदल के रख दी। हद है यार, कहां जाएं फिर हम, सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं, बता तो दो कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं, कौन सा वकील करें बता तो दो, कसूर क्या हो गया बता तो दो, क्या कसूर हो गया, स्कूल ही बना दिए यार, क्या कसूर हो गया यार, अस्पताल बना दिए यार, क्या कसूर हो गया यार, बिजली फ्री कर दी यार, क्या कसूर क्या हो गया यार। हद है यार, मतलब हद है यार, कसूर क्या हो गया बता तो दो, कसूर नहीं बता पा रहे। सीबीआई मुकर गई, ईडी मुकर गई, संजय भाई 6 महीने जेल में रहे, जब जमानत हुई ईडी ने क्या कहा, सॉरी जी हमें, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 6 महीने इस बंदे के राज्यसभा में होते ये राज्यसभा में मामले उठाता, क्यों बंदे को अंदर किया भाई, कोई कसूर नहीं है जी। कानून क्या बना दिया, पहले हम आपको पकड़ेंगे फिर आपको अपने आप को सही साबित करना है, पहले सही साबित नहीं है, आप किसी को भी पकड़ के फिर आपको सही साबित करना है, कम से कम 3 महीने की
आज जो नया बनाया कानून ये जो भारत वाला, 3 महीने की पुलिस कस्टडी है, मतलब 3 महीने अंदर रह के आपने अपने आप को सही साबित करना है तब छूटोगे। ये कोई रूल है? ये कोई हिटलर आ गया यार यहां? क्या समझते हैं मोदी साहब अपने आप को? अरे तड़ी पार, गुजरात के तड़ी पार, और हम पर राज कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे राम गोपाल अपना समाजवादी के प्रोफेसर अपने राम गोपाल जी ने कहा था, हर वक्त नहीं रहता ये जमाना, हद होती है, हद होती है, किस जुल्म की भी हद होती है। आजकल फिर तोड़, आजकल मोदी की चाल बदली हुई है ना, कमजोर है ना, अब विपक्ष है ना, सामने विपक्ष है ना, और विपक्ष बोलता है ना, सामने से बोला नहीं जाता ना, तो इसीलिए अब भाषण आ रहे हैं, मेरा गला दबाने की कोशिश की जा रही है। वो बंदा जो कह रहा है कि मैं तो किसी से दबूंगा ही नहीं, मैं फक, वो कह रहा है मेरा गला दबाने की कोशिश की जा रही है। वाह 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 वाह, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो पेंसिल रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मोदी साहब अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी झूठ ही है, जुमला। तो हम लोग आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग हैं, आम आदमी पार्टी ये जंतर मंतर के धरनों से, ये रामलीला के ग्राउंडों से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी ने आम बंदों को एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। ये पार्टी है जो आम लोगों के बारे में सोचती है। मैं चाहूंगा मेरे 3 एमपी खड़े पीछे बैठे तीनों, ये अभी विधानसभा जीत के आए, कंग साहब आए हैं चब्बेवाल से, हुशियारपुर से जीत के आए चब्बेवाल साहब, ये आनंदपुर साहब से, ये हमारे राज्यसभा के मंत्री अशोक मित्तल साहब, मीत हेयर संगरूर से जीता जी, संजीव अरोड़ा जी, ये ऐसे लोग हैं जो आम घरों से निकले और उस हाउस में बोलते हैं जहां जब ये बोलते हैं मोदी को पसीना आ जाता है। ये बात है, ये फर्क है। तो मैं बींग ए होस्ट, सबका आपका सर सीताराम जी, राजा साहब, सबका आप सबका मैं कमाल है, मनोज जी को ना संजय जी भी कह देते हैं, लेकिन मनोज जी और संजय जी एक जैसे ही हैं। राज्यसभा में जब बोलते हैं ना, क्योंकि प्रोफेसर है ना, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, इनके पास आंकड़े हैं, जब ये बोलते हैं ना तो स्पीकर साहब भी चुप हो जाते हैं कि अब इसके सामने क्या बोलूं। इसके बाद ये बोलेंगे, जरूर सुन के जाइएगा, और मेरी तरफ से सबका अभिनंदन भी है, और हम एक आवाज में अरविंद केजरीवाल, यहां से तो ज्यादा दूर नहीं है तिहाड़, आवाज तो सुननी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे इनकलाब जिंदाबाद के लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये ना कहना पड़े कि अरविंद जी को सुन गए होंगे, आपको ये सुनाने होंगे उनको कि हम आपके साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।